गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। तो आज है भाई दूज, मेरा भाई आया था तो बस मैं उसी के साथ में जा रही हूँ अपने घर पर। और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो मैंने थोड़ा सा रास्ते का व्यू लिया था और ये मैं कल की वीडियो में नहीं डाल पाई थी, मैंने सोचा आज डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, क्योंकि रास्ते में जब हम जाते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, हरे भरे खेत और सभी लोग आते जाते रहते हैं, बहुत ही मन को अच्छा लगता है। तो ये यहाँ पर कोल्लू है जो कि रास्ते में ही था। तो देखिए यहाँ पर ये जो फैली हुई है इसको खोई बोलते हैं, और ये छोटी सी मार्केट है, रास्ते में ही पड़ती है। और बस अभी हम पहुँचने ही वाले हैं, ये रास्ते का ही है थोड़ा सा व्यू। और अभी ये जो बाज़ार है ये हमारे गांव के पास में ही पड़ता है, और यहीं से हम जो कुछ भी चाहिए यहीं से लेकर जाते हैं। और यही रास्ता है इधर से सुक्करताल भी जाते हैं, सुक्करताल भी हमारे पास में ही पड़ता है, बहुत नज़दीक है। और ये हमारा गांव है, गांव का अड्डा, यहीं पर हमारा स्कूल है जिसमें हम पढ़ते थे, ये हमारा स्कूल था जिसमें ही पढ़ते थे हम। तो ये हमारे गांव का अड्डा है और यहाँ पर टंकी भी है अड्डे पर, सबसे बड़ी वाली। तो अभी बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं थोड़ी देर में। और मैं घर आ चुकी हूँ, ये सुबह की वीडियो है जो कि मैं लगी हुई हूँ साफ़ सफाई में। और बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब है घर की, पेंट भी कराया है और ये मकान भी अभी बनवाए हैं हमने। तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई वीडियो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, आप लोग देख सकते हैं घर की भी क्या हालत है। तो मैं सोच रही हूँ कि जब इसको अच्छे से सेट कर दूँगी तो तभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये हमारा किचन है, इसकी भी टाइल्स पर बहुत ज़्यादा कलर फैला हुआ था तो वो भी मुझे साफ़ करनी है। तो फिर साफ़ करने के बाद मैं इसमें अच्छे से सेटिंग कर दूंगी डब्बों की भी। और ये डब्बे मम्मी ने पहले लगा दिए थे क्योंकि हवन कराया था, इस वजह से थोड़े से डब्बे रखकर हवन कराया था। और अभी मुझको ये अच्छे से सेट करने हैं साफ़ करने के बाद। तो पहले मैं किचन को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद ही लगाऊँगी। और देखिए हमारे घर की क्या हालत हो रही है, ये सारा सामान ऊपर ही जाना है, समझ में भी नहीं आ रहा कि कैसे कैसे जाएगा और कैसे कैसे ये सेट हो पाएगा, पर करना तो है। इसी वजह से मैं आई हूँ अपने घर पर, क्योंकि मम्मी से अकेले से नहीं हो पाता। और मेरी बहन तो आई नहीं क्योंकि उसका बेबी छोटा है तो अभी उससे नहीं हो पाएगा ये सब, तो इसी वजह से मुझे ही आना पड़ा। और बच्चों की भी छुट्टी करानी पड़ी 2-3 दिन की। तो अभी हम इसको लगा देंगे, तो जब ये सेट हो जाएगा फिर मैं आप लोगों को अपना पूरा ये हाउस दिखाऊंगी। और काम करते करते पूरा ये दिन हो गया, कुछ तो सेट हो गया है सामान, कुछ रह गया है वो कल कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और मम्मी ने शाम के लिए खाना तैयार कर दिया है, मम्मी ने बनाई है दाल, तो उसको ही तड़का लगा रही थी मम्मी। और मैं भी अभी नहा लूँगी, और कल कपड़े भी नहीं धुल पाएंगे, बृहस्पतिवार है तो मुझे अभी कपड़े भी वॉश करने हैं। और बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने स्कूल चलाया हुआ है अपना, और पढ़ाई पढ़ाई खेल रहे हैं, झोटा बुग्गी चला रहे हैं। और यहाँ हमारे और आज दिन है बृहस्पतिवार, यहाँ पर मम्मी कर रही है सुबह सुबह पूजा। और कल की वीडियो कभी मैं एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, और फिर लेटते मुझे नींद आ गई और फिर मुझे कुछ भी पता नहीं रहा। तो रात को जब मेरी आँख खुली तो मैंने सोचा तो वीडियो कभी एंड नहीं हो पाया है, तो फिर मैंने सोचा सुबह कर लूँगी। और मम्मी हमारे लिए बना रही है जमे नमकीन, क्योंकि मम्मी के हाथ से खाने का अलग ही स्वाद होता है। और बस जमे बनकर रेडी हो गए हैं। अक्की यहाँ पर झाड़ू लगाने लगा किचन में, बोल रहा था कि मम्मी यहाँ पर गंदा सा हो रहा है, मैं झाड़ू लगा देता हूँ। फिर मैंने कहा तुम रहने दो, मैं लगा दूँगी अपने आप। फिर उसने किचन की झाड़ू पूरी कर दी, फिर मैंने लगा दी। अभी तो बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ है, अच्छे से सेट भी नहीं हो पाया, कुछ ही सामान सेट हो पाया है, तो वो भी कर दूंगी मैं धीरे धीरे। और अभी मिस्त्री फिर से आ जाएंगे पेंट करने के लिए,
तो मैं झाड़ू लगा देती हूँ पहले, फिर सारे में गीला हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगेगी ये वाली, क्योंकि ये जल्दबाजी में जैसी भी बनी है मैंने उसी को डाल दिया है। और बस अभी हमारा सारा काम फिनिश हो गया है, अभी पेंट करने वाले आ गए हैं तो वो फर्श को गीला कर रहे हैं जिससे कि यहाँ पर पेंट ना चिपके। और देखिए मैंने किचन में ऐसे लगा दिए हैं ये सारे डब्बे, और घर में भी जैसा हाल है अभी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। सामान तो सेट नहीं हो पाया पर जैसा भी हो गया इसको फिर अच्छा कर लेंगे। ये फोटो है हमारी शादी की, ये घर पर रखी हुई थी। देखिए बताना ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी। अभी फिटिंग का काम भी पूरा नहीं हो पाया, ये भी अधूरा ही पड़ा हुआ है, ये भी तभी होगा जब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा सब। फिटिंग भी बाकी रह रहा है, वो भी आज करा देंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है मॉर्निंग से, आज दिन है बृहस्पतिवार और सुबह के बजे हैं 9:30। अभी बस मैं नहाकर और पूजा करके आई हूँ। मैंने सोचा अपनी वीडियो का एंड कर लेती हूँ और कल की वीडियो स्टार्ट कर दूँगी। और कल की वीडियो बनाई थी मैंने, उसका एंड नहीं कर पाई थी, उसका भी एंड कर दूँगी आज। कल बुधवार था, कल की वीडियो मेरी थोड़ी बनी थी तो मैंने उसको ही डाल दिया है, क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार और सपोर्ट मिल रहा है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियो एक भी दिन लेट हो, क्योंकि अभी मुझे आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, मैं इसको खोना नहीं चाहती। आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो और मेरा बहुत सपोर्ट भी कर रहे हो, मेरी वीडियो को लाइक भी कर रहे हो। इस तरह ही मेरे साथ बने रहना तो मेरा भी मन लगा रहेगा वीडियो बनाने का। और फ्रेंड्स कल के लिए सॉरी, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, कल मैं वीडियो भी शूट नहीं कर पाई, बहुत ज़्यादा काम था। मैं अपने मायके में आई हुई हूँ तो सारा ये सामान हमने ऊपर लगाया, कल बहुत काम हो गया था। पहले मैंने सारे उसको अच्छे से धोया क्योंकि पेंट हो रहा है तो इस वजह से बहुत ही गंदा हो रहा था। और कुछ सामान अभी भी रह गया है नीचे, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ जो कि आज लगाना है। आज तो पता नहीं लग पाएगा कि नहीं, क्योंकि मिस्त्री आज भी, क्योंकि पेंट वाले आज भी लगे हुए हैं, जहाँ पेंट रह गया था वहीं पर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, देखिए। और ये सामान हमारा जो रह गया है वो भी हमें ऊपर जाना है लेकर, वो भी हमें ऊपर ही लगाना है, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी देखिए कमरे की क्या हालत है, अभी ये सामान रह गया है। और बाहर भी रह गया है, देखिए क्या हालत हो रही है हमारे यहाँ। और मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से भी नहीं मिला पाई हूँ अभी, क्योंकि सभी लोग ज़्यादा बिजी हैं। हो जाता है जब कोई काम कराते हैं तो फिर ऐसे ही बिजी होते हैं, बहुत ही ज़्यादा काम फैला हुआ है, इस वजह से सब लोग बिजी हैं। पर मैं आप लोगों को अपनी फैमिली से भी मिलाऊंगी। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मुझे एक कमेंट आया था कि आप लोग दीपावली पर कितनी कैंडल बांटते हो घर घर में। तो फ्रेंड्स हम उन्हीं के घर में जाते हैं जिनके घर में हमारा आना जाना है, उन्हीं के घर में हम एक एक कैंडल देकर आते हैं दीपावली के दिन। और अपने मोहल्ले पड़ोस में भी एक एक कैंडल देकर आते हैं, और जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं उनके घर में मिठाई भी देकर आते हैं। तो बस हम दीपावली पर यही सब करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो करती हूँ यहीं पर एंड। अगर आप लोगों को जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मुझे कमेंट भी ज़रूर करना क्योंकि आप लोग कमेंट का मुझे वेट रहता है। तो फ्रेंड्स मिलती हूँ एक अच्छी सी वीडियो के साथ, आज की वीडियो में इतना ही, तो बाय बाय।